नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजेलोन कंपनी के बारे में इस कंपनी में अभी स्विंग ट्रेड का एक बहुत बढ़िया सा साटी मुझे नज़र आ रहा है तो ये स्टॉक के ऊपर आपका बिल्कुल नजर रहना चाहिए अगर आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना जरूरफिकेशूँगा अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेलाइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी है दस हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है उसी के साथ में अगर स्टॉक का पी के बारे में बात करेंगे सेवेंटीन पी है आर के बारे में अगर बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पे थर्टी फाइव परसेंट का है यहाँ पे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है डेट टू इक्विट रेशियो के बारे में अगर बात करेंगे जीरो पॉइंट सेवन नाइन है प्रमोटर होल्डिंग फोर्टी फोर परसेंटेज का है और यहाँ पे प्रोमोटर प्लेज बिल्कुल जीरो है यहाँ पे अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई की बात करेंगे 2022 स्टॉक का ऑल टाइम हाई है स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है बारह सौ चौरानबे पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है और ये जो कंपनी है फ्रेंड्स आप सबको पता है ब्रोकिंग बिजनेस के साथ में है एंजल ब्रोकिंग जो कि डी अकाउंट वगैरह जो भी है मतलब यहाँ पे ओपनिंग करते हैं कि एन, एन का काम भी करता है उसके साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मेनली जो बिजनेस है यहाँ पे आके जरूर आप देख सकते हैं ग्रॉस ब्रोकिंग का जो बिजनेस है यहाँ पे ब्रोकिंग से सेवेंटी परसेंटेज का यहाँ पे रेवेन्यू आता है उसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट यहाँ से सिक्सटीन परसेंट का रेवेन्यू है उसी के साथ में यहाँ पे डिपोजिटरी से सेवन परसेंट का रेवेन्यू है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे वन परसेंट रेवेन्यू आता है और यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू जो यहाँ पे शो हो रहा है फिफ्टी वन परसेंटेज का यूँ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन और कैच सेगमेंट से यहाँ पे फोर्टी परसेंट और उसी के साथ में कम्यूडिटी से एट परसेंट है और करेंसी में वन परसेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे आगे अपॉर्चुनिटी ये कंपनी में देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से गिरोदा भी एक बहुत बढ़िया सा बिजनेस कर रहा है तो यहाँ पे भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है यहाँ पे अगर कंपनी का हम अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है अगर हम मार्च टू मार्च कंपेयर करते हैं तो बहुत बढ़िया सा सेल्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है उसी के साथ में अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे 102 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट था और इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 205 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि बिल्कुल एक 100 परसेंट का ग्रोथ देखने को नज़र आ रहा है उसी के साथ में अगर हम लास्ट चार क्वार्टर में देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर में नेट प्रॉफिट छः करोड़ का देखने को मिला है उसी के साथ में सेल्स एक बाईस करोड़ का सेल्स भी देखने को मिला है एक शानदार सेल्स भी देखने को मिला है उसी के साथ में बैलेंस शीट आगे देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्व पंद्रह सौ दो करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है लेकिन उसी के साथ में अगर हम बोरोइंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे बारह सौ अट्ठावन करोड़ का कंपनी के पास में बोइइंग भी देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो थर्टी सिक्स परसेंट का पब्लिक के पास में शो हो रहा है यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में एक्चुअली इतना होल्डिंग नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे मुकेश रामालाल गांधी इस सारे को अगर हम देखेंगे तो इनके पास में है मैक्सिमम होल्डिंग है जो कि 5.4, 5.95, 4.04, 2.85, 2.3 फाइव जहाँ पे यहाँ पे जब 1% परसेंट से अबव हो जाता है ना जहाँ पे ये सब स्ट्रांग्स में आ जाता है और यहाँ पे पब्लिक के डाउन साइड में शो होता है तो ये जब 20 परसेंट को अगर हम निकाल देते हैं तो रिटेल पब्लिक के पास में ओनली सिक्सटीन परसेंटेज का हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है क्या अपॉर्चुनिटी है मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा एक साल में कंपनी ने यहाँ पे फिफ्टी का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है अगर तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ को मैंने भी पहले भी प्लॉट किया था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का एक बिल्कुल एक सपोर्ट बना हुआ था पहले ट बिल्कुल इस लेवल तक जरूर देखने को मिला आया तो उसके बाद में अगर हम इस दिन यहाँ पे दो तीन दिन तक तो इस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे पोजीशन बनाए ठीक है तो बनाने के बाद में मैंने ये टारगेट लिया हुआ था जो कि ये टारगेट लिया हुआ था पहले जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था उसी टारगेट के साथ में मैंने जब पोजीशन देखा तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए कितना परसेंटेज का गेंद देखने को मिला आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा एक दिन में एक यहाँ पे सिक्सटी फाइव परसेंटेज का गेन देखने को मिला एक बेहतरीन स्टॉक में एक बेहतरीन प्रॉफिट है फ्रेंड्स ऐसे ही सेम पैटर्न बिल्ट हो रहा है आप अगर देखेंगे सेम पैटर्न बोलेंगे कि क्या सेम पैटर्न है वो बताओ फ्रेंड्स आप अगर ये चीज़ का नज़र करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टॉक का बिल्कुल यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक में कई दिन तक यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है ठीक है अगर आप इस चीज़ का नोटिस भी करेंगे तो भी आपको देखने को मिला भी वन टू थ्री इससे बहुत सारा कैंडल इसी सपोर्ट रेंज पे बन, बना हुआ है तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो कि 1290 से लेके 1300 तक की भी लेके चल सकते हैं तो इस लेवल पे आप बाय करेंगे 1300 लेवल तक और उसी के साथ में सरी फ्रेंड्स यहाँ पे 1250 से लेके तो यहाँ पे आपको 1290 तक बाइंग कर सकते हैं बारह सौ नब्बे पचानबे तक बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे जो आप टारगेट रखेंगे फ्रेंड्स आप बिल्कुल इस लेवल तक टारगेट लेके चलिए जो कि इस लेवल है इस लेवल है जो कि यहाँ पे सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटीन का लेवल तक लेके चलिए तो यहाँ पे ये यह हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है जब स्विंग ट्रेड में ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा सीधा एक थर्टी का गेन मिल सकता है जो कि विद इन सिक्स मंथ्स में फ्रेंड्स आपको पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे 112 दिन में कितना परसेंट का 65 फाइव परसेंटेज का गेन मिला तो सेम टू सेम यहाँ पे एक पैटर्न बिल्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको इसी लेवल पे बाइंग करना है तो बारह अच्छा से लेके तो ये जो लेवल मैंने बताया आपको इसी लेवल पे बाइंग करना है ठीक है तो एक बारह से लेके कर बारह सौ का लेवल तक बाय कीजिए और आप टारगेट लेके चलिए यहाँ पे सत्रह सौ सोलह तक का टारगेट लेके चलिए बिल्कुल एक थर्टी फाइव परसेंटेज का गेन विद इन थ्री मंथ्स में आपका टारगेट अचीव हो सकता है फ्रेंड्स जब मैं थर्टी फाइव परसेंट का गेन बता रहा हूँ अगर एक साल भी लग जाए मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं मेरा जो एक्सपेक्टेशन है साल का थर्टी परसेंट एक्सपेक्टेशन है तो थर्टी परसेंट का एक्सपेक्टेशन के साथ में अगर हम स्विंग ट्रेड करेंगे अपना पोर्टफोलियो ढाई साल में हंड्रेड परसेंट का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स अगर ढाई साल के बदले में अगर तीन साल भी लग जाता है तो मेरे हिसाब से कोई बुरा गेन नहीं है बहुत बढ़िया सा गेन है तो स्टॉक मार्केट से हर एक ढाई साल में अगर पोर्टफोलियो हंड्रेड परसेंट का गेन दिखाता है तो अपना पोर्टफोलियो एक बहुत बढ़िया सा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है दस साल में तेरह परसेंट का जो सॉरी थर्टीन टाइम्स ग्रो हो सकता है फ्रेंड्स ठीक है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड का लेकिन किसी भी स्टॉक में आप बाय कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए तो उस बेसिस पे आपको इस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करना है फ्रेंड्स ठीक है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ में